22 जनवरी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन और इस दिन हर कोई राम नाम में डूबता नजर आ रहा है। जहां आज पूरे दिन जनपद के सभी मंदिर में पूजा पाठ और भंडारे का कार्यक्रम चला, वहीं शाम होते ही दीपोत्सव का नज़ारा भी देखने को मिला। दीपोत्सव में गाजीपुर के सभी गंगा घाट और करीब 450 से ऊपर मंदिर दीपों की रोशनी में सराबोर नजर आए। तो वहीं गाजीपुर का विकास भवन, जहाँ करीब 30 से 40 सरकारी विभाग कार्यरत हैं, यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की देखरेख में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया। पूरे विकास भवन को झालर की रोशनी से रोशन किया गया, तो वहीं हजारों दीपक भी विकास भवन पर जलाए गए। साथ ही दीपक से जय श्री राम भी लिखे गए, साथ ही भगवान राम के तीर और धनुष का भी प्रतिबिंब दीपों से बनाया गया। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि दीपोत्सव का यह कार्यक्रम आज से 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें जनपद के सभी विभाग झालर की रोशनी में रोशन रहेंगे। और आज के दिन, आज से लेकर के 26 तारीख तक सारे कार्यालय सजाए गए हैं। एकदम पर्याप्त प्रकार की व्यवस्था, लाइट, झालर और सारे घाट, जितने हमारे घाट हैं उन घाटों पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में विकास भवन में भी विकास भवन ने बहुत अच्छा सजाया है और लगभग 10,000 दीपक हम लोगों ने लगाया। जनपद में कितने मंदिर हैं जहाँ पे आज पूरे आयोजन किए जा रहे हैं? लगभग 700 से ज़्यादा मंदिर है, जो राम मंदिर है, राम मंदिर, भगवान राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, वाल्मीकि जी मंदिर है, सारे मंदिर सजाया गया। घाटों पे जो आरती की बात की जा रही है वो लगभग कितने घाट हैं? ये शहर में लगभग 10 घाट हैं, जो अच्छे बड़े घाट हैं, जो 10 पक्के घाट हैं, 10 पक्के घाटों पर दीपोत्सव आयोजन किया जा रहा है। आज आप भी खुद इससे साक्षी हैं और खुद आज आप दीपक जला रहे हैं, क्या संदेश देंगे जनपदवासियों को इस माहौल से? नहीं, बहुत ही अच्छा आयोजन है जनपद में। उद्देश्य है कि जो रामनाथ की स्थापना की जा रही है, सब लोग भाई जा रहे हैं और ये देश